मैं तकरीबन 20 साल से पतंग उड़ा रहा हूँ। आपको मैं ये बताऊँगा तेज हवा में कैसे उड़ाते हैं, कन्ने कैसे बांधते हैं और कम हवा हो तो कैसे करने बांधते हैं। पतंग की ये पहचान होती है, जैसे काप बिल्कुल सीधी हो, काप थोड़ी सी ऊपर नीचे हो वो सही नहीं होती, और प्लस इसका ये बीच की डंडी देखी जाती है, ये हल्का या भारी है उस हिसाब से हवा में कन्ने बांधते हैं। इस टाइम तेज़ हवा हो रही है, इस टाइम ये बनेंगे यहाँ कन्ने, इसमें मुश्किल से बस 3 गीटा बनती हैं, बस बहुत है। ये कन्ने जो बन रहे हैं ये है तेज़ हवा के। अब मैं दिखाऊंगा आपको स्लो ओवर के कन्ने, जैसे हल्की हवा है तो कन्ने ज़्यादा से बड़े बनना चाहिए, ये हल्की हवा के मतलब के कन्ने। हमारे पास इस साल बिक्री के लिए 3 तरह के मांझे हैं। एक तो बरेली का मांझा होता है जो फेमस मांझा सदाबहार है, उसी में एक बरेली में पांडे का मांझा आता है जो कलरफुल होता है, मल्टी कलर के अंदर आता है, और एक आता है ये मोनोकाइड मांझा जो बायोडिग्रेडेबल मांझा होता है। ये बायोडिग्रेडेबल है, ये एक साल में अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है, किसी को हाथ कटने का डर नहीं है, किसी को किसी तरह की चोट लगने का डर नहीं है। जैसे हम कॉटन का मांझा यूज करते हैं उसमें कांच और मेटल है, इसमें किसी तरह का कोई भी कांच और मेटल यूज नहीं होता। पतंग काटने में सबसे ज्यादा चीज ये देखी जाएगी, अगर ये डोर ऊपर है और ये डोर नीचे है तो नीचे वाले को खींच मारनी है ऊपर वाले की पतंग काटने के लिए, और ऊपर वाले को ढील देनी है नीचे वाले की पतंग काटने के लिए।